हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लक्ष्मी फूड वर्ल्ड। आज हम बनाएंगे सूरन की सब्जी। तो उसके लिए मैंने 500 ग्राम सूरन लिया था, उसको छील करके धो लिया है। अब हम इसके पीसेस करने जा रहे हैं। इसी तरीके से सूरन के टुकड़े कर लीजिएगा। फिर कढ़ाई में रिफाइंड ऑयल डालिएगा। जब ये गर्म हो जाएगा तो ये सूरन के पीसेस तल लीजिएगा। इसी तरीके से सूरन के सारे पीसेस को तल लीजिएगा। गैस की फ्लेम स्लो से मीडियम के बीच में ही रखिएगा, बहुत ज्यादा मत करिएगा। इसी तरीके से सूरन के सारे टुकड़े तल लीजिएगा। ग्रेवी बनाने के लिए 2 बड़ी इलायची, कुछ लहसुन की कलियां और 1 कटोरी प्याज डालेंगे। इलायची खड़ी ही डालिए, प्याज चाहे जितनी बड़ी, क्योंकि ये सारे मसाले अभी हम पीसेंगे। देखिए फ्रेंड, हमारी प्याज मुलायम हो गई है, लहसुन भी मुलायम हो गए हैं और इलायची भी भुन चुकी है। अब हम कटे हुए 4 टमाटर डालेंगे। मेरे 5 मिनट हो गए हैं और अब हम अपनी गैस को ऑफ कर देंगे। फिर इसको ठंडा हो जाएगा तब हम इसको पीसेंगे। अब ये ग्रेवी का मटेरियल पूरी तरीके से ठंडा हो चुका है। अब हम इसको मिक्सर में डाल करके पीसेंगे। थोड़े से तेज पत्ता डालेंगे, कटी हुई मिर्ची लंबी लंबी, एक चम्मच जीरा, एक चम्मच हल्दी, एक चम्मच सब्जी मसाला, आधा चम्मच और यानी 1.5 चम्मच सब्जी मसाला, 1/4 चम्मच कश्मीरी मिर्च, 1 चम्मच धनिया पाउडर, होगा इस बात का ध्यान रखिएगा, इसीलिए मैंने आपको बता दिया। अब मेरी सब्जी बनकर तैयार। अब हम धनिया से गार्निशिंग करेंगे और अपनी गैस को ऑफ कर देंगे। तो दोस्तों, मेरी ये सूरन की सब्जी
वाली रेसिपी आपको कैसी लगी। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और अपने कमेंट्स मुझसे जरूर शेयर करिएगा। थैंक यू।